खत्म। असाइनमेंट नंबर 13 भी दी थी, एक बार प्लीज चेक करो कितने लोगों ने ट्राई की थी। की है ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1, करें स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये जो सर्कल देख रहे हो, इस सर्कल इस पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा। आपको बताना है ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। कोई कहेगा सर ये क्या है, तो आर आ तो गई। नहीं, आर तो टोटल है, तो R को डिवाइड कर दिया गया इसमें और इसमें। तो हम एक काम करते हैं, हम रेजिस्टेंस R1 निकालते हैं, हम इस R की रेजिस्टेंस R2 निकालते हैं, फिर R1 R2 के को किस में रखते हैं, इन पैरेलल रखते हैं, और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है। अब इसकी रेजिस्टेंस, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक काम करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस पर, इमेजिन क्या पता ही है, वो तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, टोटल रेजिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है 2πr। तो अगर लेंथ 2πr है तो टोटल रेजिस्टेंस पूरी वायर की कैपिटल आर है, अगर 1 है तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2πr है। कोई डाउट इसमें? तो मैंने क्या कंसिडर किया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब एक काम करते हैं, इसकी लेंथ निकालते हैं। ये सेक्टर है, सेक्टर में एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगल आर्क बाय रेडियस। तो आर्क क्या आएगी, एंगल इनटू रेडियस, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, आर्क इज एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस के आर्क आ गई। आर्क का मतलब लेंथ। तो अगर मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को इस आर्क की लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पोर्शन की क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस आ गई। कोई डाउट? उसी तरीके से अगर इसकी आर्क निकालनी है तो ये एंगल कितना है बोलो, 2π - θ। तो एंगल 2π - θ को रेडियस आर से मल्टीप्लाई किया तो एंगल इनटू रेडियस क्या आ गया, लेंथ आ गई। जैसे इसमें एंगल इनटू रेडियस लेंथ आ गई, ऐसे एंगल इनटू रेडियस लेंथ आ गई।
तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो रेजिस्टेंस आ गई, आर वन आर टू की वैल्यू आ गई, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो रेजिस्टेंस आर वन आर टू कैसे निकलेगा, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ही लाइन में बताऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, मे बी एटम के अंदर ही घूम रहा हो, जरूरी नहीं कि वायर में ही घूम रहा है, कहीं भी सर्कल में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का करंट का कंट्रीब्यूशन बताना है, इलेक्ट्रॉन के करंट का कंट्रीब्यूशन इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम पीरियड क्या होता है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो आपको ये सब कुछ गिवन है, तो वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर थ्री, कितने लोगों को डाउट है? वैसे इस डाउट है, इस टाइप की प्रॉब्लम हमने उसमें की थी, करंट डेंसिटी वाले में बता रहा था मैं। तो जैसे एल्यूमिनियम वायर है, एल्यूमिनियम वायर का डायामीटर गिवन है, प्लीज साइलेंस, एल्यूमिनियम वायर का डायामीटर गिवन है, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि कॉपर वायर का भी डायामीटर गिवन है, करंट 10 एम्पियर है, करंट डेंसिटी निकालो, करंट बाय एरिया आंसर आ गया। फिर ऐसी कॉपर वायर है, एरिया पता है, और एरिया पता है, और आपको क्या निकालना है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगा लो, आई बाय एन ए आंसर, फॉर्मूला ही लगाने हैं दो। क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, सब डाउट है, रियोस्टैट, रियोस्टैट क्या होता है? रियोस्टैट देखने में एक वायर, बहुत सारी टर्न्स की वायर है, उसको रियोस्टैट बोलते हैं। तो एक रियोस्टैट है जिसमें 100 टर्न्स हैं, ऑफ रेडियस 0.1 mm, हैविंग रेजिस्टिविटी गिवन, द डायमीटर ऑफ ईच टर्न इज 3 cm, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। देखो जो रियोस्टैट है उसके अंदर टर्न्स हैं, वायर के टर्न्स हैं इस तरीके से। अब जो वायर है उसका एक टर्न 3 cm डायमीटर का है, 3-3 cm के टर्न्स है, और जो खुद वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, तो इसमें दो डायमीटर है, एक तो डायमीटर किसका, क्रॉस सेक्शन का, और एक जिसका वो टर्न बनाएगी। तो क्रॉस सेक्शन का डायमीटर कितना, रेडियस कितना गिवन है, 0.4 mm, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, 100। तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आप निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। तो क्रॉस सेक्शन का रेडियस यूज करके क्रॉस सेक्शन का एरिया, आपको रो पता है, आपको लेंथ निकालनी है। एक काम करेंगे, एक टर्न का सर्कमफ्रेंस क्या है, पाई इंटू डी, सर्कमफ्रेंस पाई, 2πr की जगह पाई इंटू डी, ऐसे कितने टर्न्स हैं, 100, तो टोटल लेंथ क्या आएगी, 100 टाइम्स एक लूप का सर्कमफ्रेंस, मल्टीप्लाई करके लेंथ आ गई, लेंथ को पुट करेंगे रेजिस्टेंस आ गई। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन का रेडियस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालने के काम आएगा, और टोटल टर्न का रेडियस लेंथ निकालने के काम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, फाइव हो गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने कर लिया था, और नहीं, ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर एन की पावर फोर है, करेक्शन कर लेना, एन की पावर फोर है, क्योंकि ये वो शॉर्टकट इसमें चलेगा नहीं, कि लेंथ अगर हमने एन टाइम्स कर दी तो रेजिस्टेंस एन रेज टू पावर स्क्वायर हो गई, इसमें लेंथ को नहीं स्ट्रेच किया, इसमें रेडियस को किया, तो आपको प्रॉपर वॉल्यूम को इक्वेट करके करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में डाउट, क्वेश्चन नंबर एट्थ में डाउट, नाइन्थ में, यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ मास गिवन कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, आपको मास गिवन है और करंट गिवन है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है 1.7, तो अगर आपको वी पता है, आई पता है, तो समझो आपको आर पता है। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा पार्ट तो बाद में करेंगे, लेंथ और एरिया निकाल लो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि वी बाय आर रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाय ए,
सॉल्व करके एल और ए एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो दो वेरिएबल है, एक लेंथ निकालनी है और एक एरिया निकालना है, क्वेश्चन नंबर वन। दूसरी क्वेश्चन मास से बनेगी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास पता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, ए इनटू एल, सेकंड इक्वेशन आ गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एल एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। फिर बी पार्ट में कह रहे हैं, अगर मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस का बोलो क्या होगा, शॉर्टकट है, अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाती है, एन स्क्वायर, टू स्क्वायर का मतलब फोर टाइम्स हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ए और एल कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 में फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉपर वायर। वैसे मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओम लॉ से भी सॉल्व हो सकता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जे से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आ जाएगा, पर फिर भी ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन में कंडक्टिविटी गिवन है तो समझो रेजिस्टिविटी आ गई। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, क्वेश्चन में एल नहीं गिवन, एल की फॉर्म में रेजिस्टेंस आ गई। वी क्या होता है, आई इंटू आर, तो आर एल की फॉर्म में है तो वी भी एल की फॉर्म में आ गया। हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या होता है, वी बाय एल, वी एल की फॉर्म में आया, बाय एल एल एल, कैंसिल आंसर आ गया। पर वैसे ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जे से भी मुझे लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए, उसमें डायरेक्टली ही ई निकल आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 18 है, सब सीरीज पैरेलल के सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, ये सब सिंपल क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल के। ये समझ में आता है ये पैरेलल है, कैसे पैरेलल है, अगर ये सपोज करो वी नॉट है, ये जंक्शन वी नॉट पे है, और अगर ये वी पे है, अगर ये वी है तो इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी वी पे है, तो ये वी माइनस वी नॉट, ये भी वी माइनस वी नॉट, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर 4 आएगा, जो 4 आएगा इस 4 के साथ सीरीज में होगा, और जो आंसर आएगा 12 के साथ पैरेलल में होगा आंसर, कोई डाउट इसमें। उसी तरीके से ये भी सर्कल वाला क्वेश्चन देख लो, आपको ए और बी के बीच, आपको ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। मान लो ये वी नॉट पे है, मान लो ये वी पे है, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी पे है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी पे है, ये भी वी पे है, तो वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, तो चारों के चारों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आंसर क्लियर है यहां तक, ठीक। ये सिंपल है, सी कोई डाउट इसमें। 24, 25 किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, 25, 26, 27, 28 और 29, जिसको होगा व्हाट्सएप पे देखेगा, बाकी जिसको नहीं होगा वो नहीं देखेगा, मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, अंदर से आवाज़ आएगी तो देख लेगा, नहीं आएगी तो नहीं देखेगा, ठीक।